नमस्कार, गुरबुद्धली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 के बारे में। यहाँ बड़ी अपडेट जिसका इंतजार आप कर रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट को लेकर यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। वेबसाइट पर लॉग इन आप कर सकते हैं और अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं। जिसको कॉलेज मिला है अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर लेंगे, कौन सा कॉलेज मिला है। वहाँ पर आपको फीस और यहाँ पर रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। फीस ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवानी है 13,555 रुपए, ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन जब 13,555 रुपए जब आप ई मित्र पे जमा करवाएंगे तो साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब कोर्स आप कर रहे हैं बीएसटीसी, तो 12th के बाद होने वाला कोर्स है और इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, जिस भी कैटेगरी से आप रिलेटेड हैं। ध्यान रखिए जैसे SC ST OBC WS वगैरह है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना पड़ेगा और साथ में अगर किसी बोनस से रिलेटेड आपने यहाँ पर अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ेंगे। एक फोटो आपको आवश्यकता पड़ेगी जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आपको अपलोड करने होंगे और 13,555 रुपए भी आपको यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। और इसके बाद में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना है। अगर दोनों में से एक भी चीज आप छोड़ते हैं तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट वो निरस्त हो जाएगा, यानी कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन रद्द होने वाला है और किसी को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों प्रोसेस समय से करनी है। डेट्स किस हिसाब से रहने वाली है उसके बारे में बताता हूँ। पहले ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया था कि आने वाले समय में जो प्रोसेस रहेगा कौन कौन सा रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर, देखो 4 अगस्त को यहाँ पर अलॉटमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर 4 अगस्त से ही आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसमें आपको 13,555 रुपए ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने हैं। इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 11 अगस्त तक। ध्यान रखिए 13,555 रुपए ई मित्र पर यहाँ पर 11 अगस्त तक आपको जमा करवाना है, तो ये डेट से रहने वाली है। कॉलेज रिपोर्टिंग की जो डेट है ध्यान रखिए वो 12 अगस्त तक रहने वाली है, यानी आप जैसे ही 13,555 रुपए मित्र पे जमा करवा दें उसके ठीक तुरंत बाद आप चले जाएंगे अपने कॉलेज रिपोर्टिंग करवाने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी साथ में लेके जाने हैं, एक सेट बना के लेके जाना है ना। उसके बाद में बात करेंगे कि ये सभी प्रोसेस के बाद में आपको इंतजार करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देंगे कॉलेज वाले और उसके बाद में आपको ऑनलाइन रिसिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ये सभी प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस तो आपको करना पड़ेगा। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, मुझे चेंज करना है कॉलेज, अपॉइंटमेंट करवाना है, तो उसके लिए भी आपको फीस और डॉक्यूमेंट्स जो रिपोर्टिंग है कॉलेज में वो तो करना ही होगा। उसके बाद में ही अपॉइंटमेंट शुरू होगा। अपॉइंटमेंट की जो डेट रहने वाली है यहाँ पर दिया हुआ भैया 14 अगस्त से, तो 14 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर फीस भी जमा करवानी है और रिपोर्टिंग भी करवानी है। तो ये प्रोसेस था यहाँ पर बीएसटीसी 2024 को लेकर। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि कट ऑफ कितना गया, तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कट ऑफ कॉलेज की चॉइस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है भैया। अब जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है अपना यहाँ पर नंबर और कैटेगरी यहाँ पर लिख देंगे, बीएसटीसी में कितने नंबर आपके थे कमेंट कर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में अन्य विद्यार्थियों को भी पता चल जाए कितने नंबर तक किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ध्यान रहे बीएसटीसी 2024 को लेकर अपडेट था यहाँ पर। एक इसके साथ में गाइडलाइन जारी हुई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्या प्रोसेस रखनी है, किस डेट्स के हिसाब से। ये जो नोटिस है ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और साथ में आपको टेलीग्राम पर भी देखने को मिल जाएगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि जैसे प्रोसेस जैसे आज मैं घर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद में हम लाइव सेशन कर लेंगे आज रात तक या फिर कल हम लाइव सेशन करने वाले, जिसमें सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब